हिंदुस्तान की हालत तो आप जानते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। 5 साल से चौकीदार प्रधानमंत्री बना हुआ है, कहा था प्रधानमंत्री नहीं बनना, चौकीदार बनना है, और चौकीदारी आपने देखी, अनिल अंबानी की चौकीदारी, मेहुल चौकसी की चौकीदारी, नीरव मोदी की चौकीदारी, हिंदुस्तान के जो चोर हैं, सबसे बड़े चोर हैं, उनका ये चौकीदार बने हुए हैं। पहले कहा था मुझे चौकीदार बनाओ, और देश की जनता ने वोट दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। राफेल मामले में हजारों करोड़, 30,000 करोड़ रुपए लेकर अनिल अंबानी की जेब में डाल दिए चौकीदार ने। पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन आएंगे, अब नया नारा सुनिए, चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। तो ये हिंदुस्तान की हालत है, प्रधानमंत्री नहीं है, चौकीदार है, और चौकीदार नहीं है। अब ये दिन भर नरेंद्र मोदी 15-20 लोगों की मदद करते हैं। इनके दो काम हैं, सुबह उठते हैं और ये 15-20 लोगों की मदद करेंगे, हजारों करोड़ रुपए उनकी जेब में डालेंगे। 5 साल में 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ किया उन्होंने, मतलब साल में मनरेगा को चलाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए लगते हैं। 10 साल की मनरेगा इन्होंने 15 लोगों को पकड़ा रखी है। इनका एक काम है सुबह उठकर हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों की मदद करना, 15-20 लोगों की, चोरों की, और दूसरा काम पूरे देश में नफरत फैलाना। जहां भी जाते हैं नफरत क्रोध फैलाकर आ जाते हैं, झूठे वायदे करते हैं, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डाल दूंगा, मिल गया आपको? कोई है यहां पे जिसको नरेंद्र मोदी ने बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाले? ना, एक नहीं मिलेगा। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल मिला, रोजगार, किसानों को सही दाम मिल गया, सही दाम ना। तो हमने निर्णय ले लिया है, 6 महीने से हम काम कर रहे हैं। मैंने कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक को बताया, 6 महीने पहले बताया, देखिए ये चौकीदार जो है ये दिन भर 15 लोगों की मदद करता है, इसने हजारों करोड़ रुपए अनिल अंबानी जैसे चोरों को दे दिया है। अब कांग्रेस पार्टी को देश में न्याय दिलवाना है। कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक से मैंने कहा, मैं समझता हूं कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में नहीं डाला जा सकता, मैं जानता हूं कि नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला, मगर आप मुझे एक नंबर दीजिए, जितनी एनालिसिस करनी है कर लीजिए, मगर मुझे एक नंबर चाहिए, एक नंबर चाहिए। नंबर क्या है? नंबर वो है जो हम इस देश की गरीब जनता को देना चाहते हैं। 6 महीने काम करने के बाद मेरे पास आए, कहते हैं नंबर मिल गया, 72,000 रुपए। नंबर 72,000 है। मैं आपको बताता हूं यह नंबर क्या है। अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने दिए, मेहुल चौकसी को 35,000 करोड़ रुपए, नीरव मोदी को 35,000 करोड़ रुपए, विजय माल्या को 10,000 करोड़ रुपए, ललित मोदी को हजारों करोड़ रुपए।
तो ये हमने नंबर निकाला है 72,000 रुपए। इसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है, साल के 72,000 रुपए 5 साल के 360,000 रुपए हमने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के सब गरीब परिवारों को, भाई और बहनों 5 करोड़ ऐसे परिवार हैं, हमने निर्णय ले लिया है कि जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीने से कम की है उसकी आमदनी हम 12,000 रुपए प्रति महीना कर देंगे। मतलब इन 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी 72,000 रुपए हर साल डाल देगी। 5 करोड़ परिवारों को 5 साल के अंदर 360,000 रुपए सीधे बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी डाल के दे देगी। मोदी जी ने कहा 15 लाख देंगे, झूठ है। हमने 6 महीने काम किया, हमने सच निकाला है। सच्चाई है कि 15 लाख नहीं दिया जा सकता, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मगर सच्चाई यह भी है कि 360,000 रुपए हर परिवार को दिया जा सकता है और हम गारंटी करके देंगे। आज किसान आत्महत्या करता है, दिन भर खेती करता है, अपना खून पसीना देता है, उसकी कमाई नहीं होती। देश में जो भी किसान है, किसी भी धर्म के, किसी भी जात के, किसी भी प्रदेश के, कोई भी भाषा बोलते हो, भाई और बहनों, अगर आपकी आमदनी महीने में 12,000 रुपए से कम है तो 12,000 रुपए तक आमदनी पहुंचाने का काम हमारा, ये हमारा गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक है। नरेंद्र मोदी ने गरीबों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, हम गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ये हमारा वायदा है आपसे। जहां भी देखो हिंदुस्तान में, किसी भी युवा से पूछो भैया करते क्या हो, हिंदुस्तान का युवा आपसे कहेगा नरेंद्र मोदी जी की दुनिया में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है, कुछ नहीं करते, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भटकते हैं, एक रेलवे स्टेशन से दूसरे रेलवे स्टेशन में जाते हैं, एक चौराहे से दूसरे चौराहे में जाते हैं, कहते हैं हम कुछ नहीं करते। चाइना 24 घंटे में 50,000 युवाओं को रोजगार देता है, नरेंद्र मोदी उसी 24 घंटे में 27,000 हिंदुस्तानी युवाओं से रोजगार छीनता है, छीनता है, जो पहले था वो भी ले लिया। चौकीदार ने अनिल अंबानी को दिया, नोटबंदी की, आपसे कहा था लाइन में खड़े हो जाओ काले धन के खिलाफ लड़ाई, आप सब लाइन में खड़े हुए, भाइयों और बहनों उस लाइन में आपको कोई काले धन वाला दिखाई दिया, कोई चोर दिखाई दिया? क्या उस लाइन में अनिल अंबानी खड़ा था, मेहुल चौकसी खड़ा था? ना, हिंदुस्तान के ईमानदार लोग, माताएं बहनें, किसान मजदूर बेरोजगार युवा सब लाइन में खड़े हुए, छोटे दुकानदार, पता नहीं क्या दिमाग में घुस गया इस व्यक्ति के, 8 बजे रात को कहता है 500 रुपए 1,000 रुपए का नोट रद्दी करना हो, किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लो कहेगा पागलपन है, 8 साल के बच्चे से पूछो भैया 500 रुपए और 1,000 रुपए के नोट को रद्दी करने से क्या होगा, वो बता देगा आपको, नुकसान होगा, छोटे दुकानदार बर्बाद हो जाएंगे, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले खत्म हो जाएंगे, मगर नहीं,
चौकीदार के दिमाग में यह बात नहीं बैठी। भाई और बहनों, काले धन के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, आपके जेब में से पैसा छीनना था और उन्हीं 15-20 लोगों के जेब में डालना था, उनके करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए काला धन सफेद में बदलना था। दो हिंदुस्तान बनाना चाहता है नरेंद्र मोदी, एक 15-20 अमीर लोगों का और दूसरा किसानों का, मजदूरों का, दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का, छोटे दुकानदारों का। इस हिंदुस्तान में लोग मेहनत करें, दिन भर अपना खून पसीना दें और उस हिंदुस्तान को अपना पूरा का पूरा पैसा दें। वो लोग प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ें, सबसे अच्छे कॉलेजेस में, स्कूल में लाखों रुपए देकर अपने बच्चों को पढ़ाएं, बीमारी हो तो प्राइवेट अस्पताल में मर्सिडीज गाड़ी में जाएं और ये दूसरा हिंदुस्तान देखता ही रह जाए। कोई बीमार होता है तो उन्हीं 15 लोगों को आप लोग लाखों रुपए देते हो। कैंसर की बीमारी होती है, दिल की बीमारी होती है, लाखों रुपए आप जेब से निकाल के देते हो। क्या आपको सपना नहीं देखना चाहिए? क्या सिर्फ उन लोगों को सपना दिखाई देना चाहिए? क्या आप अपने बच्चों को इंजीनियर नहीं बना सकते, डॉक्टर नहीं बना सकते, लॉयर नहीं बना सकते? क्या गलती की आपने? क्या गलती की तेलंगाना के किसान ने? क्या गलती की तेलंगाना के मजदूर ने? सिर्फ नाम अनिल अंबानी नहीं है, नाम मेहुल चौकसी नहीं है, नरेंद्र मोदी के साथ मित्रता नहीं है, दोस्ती नहीं है। आप सबको वो मित्र कहते हैं, उनको भाई कहते हैं, मेहुल भाई, अनिल भाई, विजय भाई। हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए और इस हिंदुस्तान में सबको जगह मिलनी चाहिए, हर धर्म को मिलनी चाहिए, हर जात को मिलनी चाहिए, हर भाषा को मिलनी चाहिए, हर युवा को मिलनी चाहिए। और हम लड़ेंगे इससे और हराएंगे इसको, आप देख लेना।